इस्लामिक स्पीकर जाकिर नाइक पर एनआईए का शिकंजा, विशेष अदालत में एनआईए ने दाखिल की अपनी चार्जशीट। चार्जशीट में जाकिर के जुर्मों का पूरा कच्चा चिट्ठा, हजार पन्नों के दस्तावेजी सबूत, 85 गवाहों के बयान शामिल। एनआईए के आरोप पत्र में जाकिर नाइक को नापने की तैयारी, देशद्रोह, मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण, आतंकवाद को बढ़ावा देने का केस दर्ज। एनआईए की जांच में जाकिर के आतंकवादियों के रिश्तों से भी सबूत, चार्जशीट में नाइक पर वित्तीय मदद करने, काले धन को सफेद बनाने का भी आरोप। जुर्मों का खुलासा होने के बाद से ही देश से फरार है जाकिर नाइक, जुलाई 2016 के बाद भारत नहीं आया, नफरत फैलाने वाला जाकिर। कश्मीर में वार्ताकार की नियुक्ति के बाद विकास कार्यों पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया फोकस, दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की, मुख्यमंत्री महबूबा भी बैठक में मौजूद, सीमा पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने का भी खास प्लान। गृहमंत्री से मिलने के बाद महबूबा का बयान, कहा घाटी में हिंसा में आई कमी, सही दिशा में सरकार की नीतियां। बड़गाम में हिजबुल सरगना सैयद सलाहुद्दीन का बेटा पकड़ा गया, उसके बेटे के घर पर छापा, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और 5 मोबाइल जब्त किए गए। गाड़ी में आतंकवादियों ने पोस्टर लगाकर दी धमकी, J&K पुलिस को एनकाउंटर में शामिल न होने की हिदायत दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ताज का दीदार, विवादों के बवंडर पर ठंडा पानी डालने की कोशिश। करीब आधे घंटे ताजमहल में रहे योगी, घूम घूम कर लिया इंतजामों का जायजा। दुनिया के सातवें अजूबे के सामने योगी का स्वच्छता संदेश, हाथों में झाड़ू थाम, खुद की सफाई। झाड़ू लगाने के बाद योगी का शाहजहां पार्क का दौरा, पर्यटकों के लिए वॉकवे का भी शिलान्यास। ताजमहल जाने से पहले योगी ने यमुना का लिया जायजा, रबर बैराज के निर्माण की घोषणा की। ताज पहुंचे योगी का शानदार स्वागत, यूपी पुलिस ने दी सलामी। ताज के अंदर योगी ने देसी विदेशी पर्यटकों के साथ खिंचवाई फोटो, ट्वीट की तस्वीरें। योगी के आने पर समर्थकों का सातवें आसमान पर उत्साह, मुख्यमंत्री की जय जयकार के लगाए नारे। योगी की मौजूदगी के बीच हिंदू युवा वाहिनी ने फिर सलापा विवाद का राग, ताजमहल का नाम बदलने की मांग। योगी के ताज दौरे पर अखिलेश का तंज भरा ट्वीट, ये प्यार का तीर्थ यहां आते रहना, ओवैसी ने कहा ताज नहीं बल्कि पार्टी के लोगों का दिमाग साफ करें मुख्यमंत्री। योगी के दौरे से पहले फतेहपुर सीकरी में शर्मनाक वारदात, सेल्फी लेने से मना करने पर स्विस जोड़ी के लोगों ने जमकर की पिटाई। विदेशी पर्यटकों की पिटाई से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर उठे सवाल, पुलिस ने 3 को पकड़ा। विदेशी दंपत्ति की पिटाई पर केंद्र सरकार गंभीर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने योगी सरकार से मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय पर्यटन विभाग ने मारपीट पर जताई चिंता, राज्य मंत्री KJ अल्फोंस का यूपी सरकार को सख्त संदेश, ऐसी घटना से देश की छवि होती है खराब। अखिलेश यादव ने हमले को लेकर योगी पर सवाल खड़े किए, बोले प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में नाकाम रहे योगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी का संबोधन, बोले 2022 तक सबको घर और बिजली देने का है लक्ष्य। मोदी ने GST लागू करने के फैसले का किया बचाव, कहा गरीब और मध्यम वर्ग को होगा फायदा। विरोधियों पर पीएम का तंज, बोले मैंने पिछली सरकार की तरह नहीं बांटी रेवड़ियां, मुझे अपने काम पर जय जयकार कराने का कोई शौक नहीं। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर किया कटाक्ष, ट्वीट कर कहा डॉक्टर जेटली नोटबंदी और GST से अर्थव्यवस्था ICU में। शायराना अंदाज में राहुल ने किया तंज, लिखा आप कहते हैं आप किसी से कम नहीं, मगर आपकी दवा में ही दम नहीं। गुजरात के कैबिनेट मंत्री बाबू बिखेरिए के विवादित बोल, कहा 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के सभी नेता चाहते थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अरे कांग्रेस पार्टी ना बद्दा सीनियर लोग को इच्छा था क्या देश ना बड़ा प्रधान से नरेंद्र भाई मोदी बने। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को बड़ी राहत, मेहसाणा की विसनगर अदालत से मिल गई जमानत, विधायक के साथ मारपीट का मामला। राहुल से मुलाकात की तस्वीरों पर हार्दिक का ट्वीट, कहा ताज होटल में शादी करने पर वीडियोग्राफी का बचेगा खर्चा।
बीजेपी पर 10 लाख रुपए घूस देने का आरोप लगाने वाले नरेंद्र पटेल ने जारी की ऑडियो क्लिप। ऑडियो में बीजेपी नेता वरुण पटेल से डील पर हुई बातचीत। बुलेट ट्रेन पर ठाकरे की मोदी सरकार को चेतावनी, नहीं लगाने देंगे एक भी ईंट, मुंबई को बुलेट ट्रेन की जरूरत नहीं। गुजरात में टिकट बंटवारे में कांग्रेस युवाओं को देगी तरजीह, 40% होंगे युवा उम्मीदवार। रॉबर्ट वाड्रा ने बीजेपी नेताओं पर लगाया परिवार को बदनाम करने का आरोप, बोले परिवार की तस्वीरों को गलत ढंग से सोशल मीडिया में दिखाते हैं बीजेपी के नेता। नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर सोशल मीडिया में फेक अकाउंट चलाने वालों की बढ़ सकती है मुश्किल, लीगल एक्शन लेने की तैयारी में है सिद्धू। कल से 2 दिन के केरल दौरे पर होंगे राष्ट्रपति कोविंद, तिरुवनंतपुरम में टेक्नो सिटी का करेंगे शिलान्यास, केरल हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में लेंगे हिस्सा। 2 दिन के दौरे पर मसूरी पहुंचे मोदी, कल लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षुओं को करेंगे संबोधित। राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा 21 से घटाकर 26% तक बढ़ाई, विधानसभा में बिल हुआ पारित। वसुंधरा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाकर विधानसभा में पारित कराया बिल, अदालत ने बिल टेबल होने पर मानहानि का दिया था नोटिस। वसुंधरा राजे ने एक और बिल को गुपचुप ढंग से कराया पास, विधायकों की सदस्यता बचाने के लिए संसदीय सचिव को लाभ के पद से बाहर करने के बिल को मिली हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मोबाइल से जोड़ने के सरकारी आदेश के खिलाफ याचिका पर फौरन सुनवाई से किया इनकार, 30 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की बेंच में होगी अब सुनवाई। मोदी 29 अक्टूबर को हिमाचल में करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज, धर्मशाला में करेंगे रैली। बॉक्सर विजेंदर और राहुल गांधी के बीच दिल्ली के समारोह में दिलचस्प सवाल जवाब, विजेंदर ने पूछा कब करेंगे शादी और कब बनेंगे प्रधानमंत्री। शादी करने और प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर राहुल गांधी का जवाब, बोले मैं किस्मत में विश्वास करता हूं, जब होगी तब हो जाएगी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार के फौरी कदम, ऑड इवन योजना को दोबारा लागू करने पर विचार। मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर संजय दत्त के खिलाफ समन, 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था बयान। नोटबंदी के सालाना जश्न पर शशि थरूर ने किया हमला, बोले माफी मांगने के बजाय जश्न मना रही है सरकार। बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों को करनी पड़ी मेहनत। आग ने बांद्रा स्टेशन पर पैदल यात्रियों के लिए बने फुटओवर ब्रिज को भी अपनी चपेट में लिया, बांद्रा अंधेरी लोकल सेवा पर असर। महाराष्ट्र के कल्याण से भागकर आईएसआईएस के लिए जंग लड़ने वाले फहाद शेख की मृत्यु, इराक से अज्ञात शख्स ने फोन पर पिता को दी जानकारी। यूपी के कानपुर में बेटे के बर्थडे के लिए खरीद कर लाए गुब्बारे फुलाए तो लिखा मिला आई लव पाकिस्तान, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश में जालौन में कारागार मंत्री के काफिले से तबाह हुई किसान की फसल, मिला 4,000 रुपए का मुआवजा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गर्भवती महिला की दबंगों ने पीट पीट कर मारा, बच्चे की हुई मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के देवेरिया में कहा सुनी के बाद दिल दहला देने वाली वारदात, ग्राहक ने हलवाई को खोलते तेल में डुबो दिया। यूपी के मैनपुरी में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर प्राइवेट बस हुई अनियंत्रित, 1 विदेशी यात्री की मौत, 30 से ज्यादा घायल। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को किया खारिज, स्वामी ने मौत को बताया था संदिग्ध। मुंबई के गोरेगांव में अवैध निर्माण को लेकर एमआरटीपी ने अमिताभ बच्चन को जारी किया नोटिस, आरडीआई कार्यकर्ता ने की थी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों ने हाईवे 86 को किया जाम, शिवराज सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। मध्य प्रदेश के देवास में सरकारी गोदाम के कर्मचारियों ने किसान को लगाया चूना, बेच दिया 45 लाख रुपए का अनाज। बस्तर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बाद टूटी नक्सलियों की कमर, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जंगलों में बना नया नक्सली जोन। हरियाणा में जानवरों के रहने के लिए पीजी हॉस्टल बनाएगी हरियाणा सरकार, हॉस्टल्स में गाय भैंस रखेगी सरकार। झारखंड के रांची में ग्रामीणों ने 2 महिला जियोलॉजिस्ट को बंधक बनाया, खनन के लिए सर्वे पर नाराज हो गए लोग। हरियाणा के रोहतक में डीजल से भरा टैंकर पलटा, रिश्ते डीजल को लूटने की मची होड़। बिहार के हाजीपुर में पुलिस का अनोखा कारनामा, लोगों की शिकायत कागज पर लिखने के बजाय हाथों पर लिखी। पंजाब के खेतों में पराली जलाने वालों पर अमेरिकी सैटेलाइट से रखी जा रही है नजर, रिपोर्ट के आधार पर किसानों पर लगेगा जुर्माना।
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का आरोप, रेप पीड़ित महिलाओं के बच्चों से स्कूलों में नहीं पूछे जाएंगे पिता के नाम। यूपी में निकाय चुनाव से पहले 28 आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला, 10 जिलों में पुलिस प्रमुख बदले गए। बिहार यूपी समेत देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया जा रहा है आस्था का महापर्व छठ। डूबते सूर्य को श्रद्धालुओं ने दिया अर्घ्य। पटना में गंगा किनारे श्रद्धालुओं की भीड़, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर छठ पूजा का उत्सवी माहौल। छठ पूजा पर गंगा किनारे सुरक्षा का अभूतपूर्व इंतजाम, मुख्यमंत्री के घर में भी छठ की पूजा। जिले में यमुना किनारे श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, इंतजाम में लगे रहे राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ता। छठ पूजा को लेकर रांची में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह, हर जगह मेले जैसा माहौल। नोटबंदी के दौरान धांधली करने वाले बैंक कर्मियों पर सख्त कार्रवाई, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का खुलासा, 460 बैंक कर्मियों पर गिरी है गाज। मोदी ने किया आधार कार्ड योजना का बचाव, कहा आधार कार्ड से राशन वितरण में 57,000 करोड़ की सरकार को हुई बचत। पीएम मोदी ने एलईडी सस्ती करने की योजना को भी अर्थव्यवस्था के लिए बताया बेहतर, 20,000 करोड़ रुपए की बचत का दावा। शेयर बाजार में उछाल का दौर जारी, सेंसेक्स 33,147 पॉइंट्स पर बंद। निफ्टी में बम्पर उछाल, करीब 49 अंकों की बढ़त के साथ 10,343 पर बंद।